में सेगमेंटेशन लेकिन जो इनके अपेज होते हैं ठीक है उनमें मतलब इनमें अपेंडेजेस बिल्कुल भी नहीं होते मैंने परसों बोला था appendages होते जो भी होती है वेदर वो लेग्स हम बोले फुट बोले कुछ भी बोले आउट ग्रोथ इनमें बिल्कुल भी नहीं दैट्स देट बिल्कुल एबसेंट होते हैं ठीक है थीके? इनकी जो बॉडी की साइज है वो वेरी करता है ठीक है या तो माइक्रोस्कोपिक हो सकती है या इनकी बॉडी काफी बड़ी हो सकती है जैसा मैंने आपको एक प्रैक्टिकल में ऑक्टोपस दिखाया था मैंने उस टाइम पे बोला था ऑक्टोपस जो होता है इसकी अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे कितनी साइज होती है ऑक्टोपस की ऑक्टोपस का साइज क्या होता है इट्स फिफ्टी फीट ठीक है मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था कि जो ऑक्टोपस होता है इसका जो ये होता है ठीक है ऑक्टोपस का जो साइज uh, होता है वो फिफ्टी फीट होता है यानी कुछ ऐसे इसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स जो क्या होता है जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ठीक है कुछ होते हैं इसमें माइक्रोस्कोपिक कुछ क्या होते हैं कुछ होते हैं इसमें कुछ होते हैं इसमें जो गेंट बॉडी होती है यानी जिनकी काफी बड़ी बॉडी होती है जैसे मैंने किसका बोला जैसे मैंने एग्जाम्पल दी ऑक्टोपस तो जो ऑक्टोपस है मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ऑक्टोपस आता है हमारे पास किसमें मोलस्का में आता है ठीक है यानी इनकी बॉडी एक तो सॉफ्ट होती है ठीक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है लिटिल सेगमेंटेशन उतनी नहीं होती है जितनी हम लेकिन मैं सेगमेंटेशन देखी थी एनालीडा में ठीक है जो फाइलम एनालीडा है उनमें काफी ज्यादा सेगमेंटेशन होती है ठीक इसके बावजूद मैं इनमें क्या होता है बॉडी डिविजिबल होती है हेड ठीक हेड में फुट uh, में होती है डिविजिबल ठीक इसके अलावा जो इनकी बॉडी होती वो कवर्ड होती है एक थिन स्किन से जिसको हम बोलते हैं मेंटल क्या बोलते हैं हम उसको मेंटल बोलते हैं यानी इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है थिन स्किन से जिसको हम मेंटल बोलते हैं जो किसका बना होता है जो और वो स्क्रीट करता है दैट इज हम बोलेंगे वो कैलकेरियस शेल्स का बना होता है कैलकेरियस शेल्स का मतलब क्या होता है किसी को पता है कैलकेरियस शेल्स के बारे में कैलकेरियस शेल्स कैलकेरियस शेल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं ठीक है तो इनके बॉडी जो होती है वो क्या करती है वो कैलकेरिय शेल्स को स्क्रीट करती है ठीक इसके अलावा अगर हम देखेंगे इनमें फुट प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए मेनली देन लोकोमोशन मतलब मैंने लोकोमोशन का समझाया था आपको लोको क्या होता है क्या होता है लोको मोशन? हम किसे कहते हैं लोको किसे कहते हैं उसमां आप क्यों आपने क्यों नहीं ऑडियो सिलेक्ट किया अपना ए इज्जत रोल नंबर टेन ऑडियो सिलेक्ट कीजिए जल्दी से और मुझे बोलो लोको मोशन क्या होता है पहले ही लेक्चर में मैंने लोको मोशन का बोला था आपको एक सिंपल वर्ड है लोको मोशन का भी आपको मतलब अभी तक नहीं समझ आया है लोको मोशन मतलब मूवमेंट और ये कॉमन सेंस है फुट से क्या करते हैं फुट से मूवमेंट ही करते हैं ठीक है थीके? बॉडी कैविटी जो होती है वो हीमोसील होती है हीमोसील का मतलब क्या है मैंने कल भी बोला था ये वर्ड हीमोसील का मुझे बोलिए हीमोसील का मतलब क्या होता है मैंने कल भी हीमोसील का आपको बोला था हीमोसील जो होता है ये आर्थोप्रोडा में भी प्रेजेंट होता है क्या होता है हीमोसील मैं हंड्रेड टाइम्स रिपीट करती हूं आपको समझ आए आपको समझ आए आप फिर भी वहां से रेस्पॉन्ड नहीं करते हो और आपको फिर बाद में कुछ पता नहीं होता है हीमोसील का मतलब होता है वो कैविटी जो ब्लड से फिल हुई, ही, मतलब हुई होती है हीम का मतलब ब्लड होता है सील इज ए कैविटी यानी वो कैविटी जो ब्लड से फिल हुई होती है ठीक है तो इसमें जो ट्रू सीलो में वो रिड्यूस्ड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट काफी सिंपल होता है रेस्पिरेशन में गिल से होती है ठीक है जिनको हम टीन एडिया भी कहते हैं ठीक है ठीके? इसके अलावा अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे ओपन होता है एक्सेप्ट एक क्लास जो इसमें आता है जिनको हम बोलते हैं सिफेलो पोर्ट्स ठीक है जो सफेलो पोर्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन नहीं होता उनमें क्लोज होता है देन एक्सक्रीशन होती है बाई मीन ऑफ दी मैटर या किडनीज भी होती है कहीं भी प्रेजेंट सेक्स सेपरेट होते हैं यानी मेल अलग फीमेल अलग सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या आता है आई होप आपको ये पता हो सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या आता है सेंसरी ऑर्गन्स हम किसे कहते हैं जो क्या सेंस करते हैं क्या क्या आता है उसमें सेंसिस में क्या क्या आते हैं ये काफी सिंपल क्वेश्चन है टच स्मेल टेस्ट विजन ये सारा आता है सेंस में सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है एक्वाटिक होते हैं यानी इनका जो हैबिटेट है ये पानी में रहते हैं ज्यादातर ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं यानी सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो टेरिस्ट्रियल भी होते हैं यानी जो लैंड पे रहते हैं अब जो ये फाइलम मोलस्का है ठीक है ये पांच क्लासेस में डिवाइड होता है ठीक क्या क्या क्लास है वो क्लास वन दैट इज पॉलीप्लेकोफोरा, पॉली प्लेकोफोरा ठीक है अगर हम देखेंगे इसके बाद क्लास सेकेंड क्या आता है गैस्ट्रोपोडा ठीक है थर्ड स्केफोपोडा ठीक है फोर्थ पैलिसपोडा एग्जाम्पल्स okay? में क्या, क्या Octopus. Octopus को हम कॉमनली क्या कहते हैं मैंने ये प्रैक्टिकल क्लास में भी बोला था ऑक्टोपस को हम कॉमनली क्या कहते हैं मेरी वॉइस आ रही है सबको मेरी मेरी आ आ आ रही yes, रही रही है, है, है यस यस मैम। तो अगर आ रही है, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो ऑक्टोपस को हम कॉमनली क्या कहते हैं मैंने बोला था प्रैक्टिकल क्लास में और मैंने आपको बोला था मुझे उसके कैरेक्टर्स आप सेंड करोगे पीडीएफ बना के अभी तक किसी ने नहीं, नहीं किया कल तक सबके पास टाइम है वरना मैं क्लास में उस क्लास में जो मैंने प्रैक्टिकल की क्लास और आज ही क्लास जो है वो दोनों में मैं आपको एबसेंट रखूंगी ठीक है मुझे वो पीडीएफ जरूरी चाहिए जो जो भी 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 मैंने मैंने दिखाया था उस टाइम कैरेक्टर्स आपको दिखाए थे प्रैक्टिकल क्लास में तो इसको हम कॉमनली डेवल फिश बोलते हैं क्या बोलते हैं डेवल फिश बोलते हैं ठीक है इसके बाद आता है अनदर फाइलम दैट इज फाइलम इकाइनोडोटा इकाइनो डरमेटा इकाइनोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मा का मतलब क्या होता है डर्मा सबको पता होगा डर्मा का मतलब होता है स्किन ठीक है तो यानी इनका जो स्किन होता है उनपे स्पाइन होते हैं प्रेजेंट ठीक है कुछ एनिमल्स इसमें स्टार लाइक -like होते हैं स्टार शेप कुछ होते हैं स्पैरकल कुछ होते हैं इलांगेटेड बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म सीलोमेट होते हैं इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है अनसेगमेंटेड बॉडी होती है यानी इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते ठीक है थीके? इनकी बात अगर करेंगे सिमेट्री की सिमेट्री इनमें रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन जो इनका लार्वा होता है ठीक है लार्वा इनका बाइलेट्रल सिमेट्रिकल होता है बायलेट्रली सिमेट्रिकल होता है बॉडी जो होती है उस उसपे हेड अः नहीं होता है बिल्कुल भी लेकिन जो भी ओरल होता है या एबोरल सरफेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यानी ओरल वगैरह माउथ वगैरह वो प्रेजेंट होता है ठीक है औरल सर्फेस पे अगर हम बात करेंगे वहां पे फाइव रेडियल एरियाज आते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्बुल ठीक है इसके अलावा बॉडी वॉल जो होती मैंने पहले ही बोला स्पाइन के होते हैं, लेकिन वो स्पाइनल जो होते हैं, वो कैलकेरियस के होते हैं। कैलकेरियस का मतलब क्या है अभी मैंने बोला कैलकेरियस कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से जो बने हुए होते हैं ठीक है इसके अलावा बॉडी कैविटी जो होती है वो फिर मॉडिफाई हो जाती है इनमें जब ये अडल्ट हो जाते हैं वॉस्क्यूलर सिस्टम में इसके अलावा ठीक है जो क्या करता है या रेस्परेशन के लिए इसके अलावा लोकोमोटरी ऑर्गन भी होते हैं इनपे जिनको हम बोलते हैं ट्यूब फीट या बोलते हैं पोडिया का मतलब भी क्या होता है सीट होता है ठीक है तो लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जो मूवमेंट के लिए काम आते हैं ऑर्गन इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम यूजली कंप्लीट होता है ठीक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें एबसेंट होता है रिप्रोडक्शन सेक्चुअल भी होती है एसेक्चुअल या बाई रिजेनिरेशन से रिजेनरेशन क्या होता है रिजेनिरेशन का मतलब क्या है परसों भी मैंने आपको रिजेनरेशन के बारे में थोड़ा सा बोला था रिजेनरेशन का मतलब होता है अगर बॉडी पार्ट कट हो जाता है वो जो कटेड बॉडी पार्ट होता है वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है ठीक है उसको हम रिजेनरेशन बोलते हैं हैंक्सेस सेपरेट होते हैं ठीक है मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है हैबिटेट की बात करेंगे सबसे ज्यादा ये मरीन होते हैं फिर फ्री लिविंग इसमें आते हैं या अगर हम देखेंगे ग्रिगेरियस होते हैं ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है जो ग्रुप्स में रहते हैं ठीक है थीके? तो ये ग्रुप्स में रहते हैं इसके अलावा अगर हम देखें इसकी क्लासेस में क्या आता है इकाइनोडिया ठीक है या होलो ठीक इसके अलावा क्राइनियोडिया ठीक ये सब क्या आते हैं इसके क्लासेस आ जाते हैं ठीक इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे जो आता है दैट इज हेमिकॉडेटा हेमिका मतलब क्या होता है हाफ अगर हम इनकी बात करेंगे बॉडी सॉफ्ट होती है ठीक है अनसेमेंटेड वर्म लाइक होती है यानी इनमें सेगमेंट्स बिल्कुल तो right right वही लेफ्ट वाले में भी होंगे एनिमल्स जो होते हैं ये इनमें होते हैं कॉम्बिनेशन किसके इनवर्टिटा के ठीक है इनवर्टिवा को हम क्या बोलते हैं नॉन कॉडेटा भी बोलते हैं और कॉडेट कैरेक्टर्स भी इनमें पाए जाते हैं आपको इसके बाद पढ़ना है कॉडेटा क्या होता है प्रोटोकॉल Pro

ट्रंक में इनको एन एस बी आता है यहाँ पे जो एंड पॉइंट होता है ट्रंक का वहां पर एनएसबी आ जाता है ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें कॉर्डेट्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं मैंने आपको बोला इनमें नॉन कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स में इनका क्या होता है इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स uh, होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब क्या होता है जो गिल्स की ओपनिंग होती है उनको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं ठीक है थीके? गिल्स किस लिए काम आते हैं फॉर द सेक ऑफ रेस्पिरेशन के लिए तो इनमें क्या होता है इनमें गिल स्लिट्स होते हैं है एंड दे नोटो नोटोकॉड ठीक है नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं होता है वॉट इज नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड जो, होते है, जो होता है नोटो कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता दैट इज हम इनको नॉन कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स ही बोलते हैं जो नॉन कॉर्डेटा होता है दे लैक नोटोकॉर्ड इसलिए क्या बोलते हैं इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं दे रिजेंबल विद कॉर्डेटा ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्या होता है इनमें नहीं होता है बल्कि एक्सक्रीशन के लिए इनमें ग्लोम होता है ठीक है जो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होता है जिससे रेस्पिरेशन होती है, है की बात करेंगे सबसे ज्यादा ये मरीन होते हैं ठीक है ठीके? अब मरीन तो होते हैं बट ये रहते हैं सोलिट्री भी या कॉलोनियल भी सोलिट्री का मतलब क्या होता है डनीबडी नो वट डज सॉलिट्री स्टैंड फॉर वट डज इट मीन मैंने रिपीट मैंने इससे पहले ही बोला है सॉलिटरी कॉलोनियल क्या डिफरेंस होता है किसी को याद है सोलिट्री खुदा ना से किसी को याद है ये याद रखना आपको ये एग्जाम के टाइम पता चलेगा जो आप अभी ध्यान नहीं दे दे रहे हो ना पढ़ाई पे ये आपको एग्जाम के टाइम पता चलेगा ठीक है आसिला आंसर कर रही थी आज आसिला आसला भी नहीं कर रही है शायद आसला नहीं है क्लास में ठीक है वो करती थी आंसर वो नहीं है क्लास में बाकी सब कोई कोई भी रेस्पोंड नहीं कर रहे है ठीक है तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं सॉलिटरी ठीक है फिर से ध्यान दो मैं फिर से बोल रही हूँ सॉलिटरी और कॉलोनियल का डिफरेंस क्या होता है सोलिट्री का मतलब जो इंडिविजुअली रहे ठीक है कॉलोनी का मतलब वर्ड से ही समझ आता है कॉलोनियल दैट इज जो कॉलोनीज में रहते हैं ठीक है थीके? जो ग्रुप्स में रहते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा हम देखेंगे ये फीड किन पे करते हैं अर्थ वर्म्स पे यूजुअली ये फीड करते हैं ठीक है थीके? जो अर्थ वर्म्स होते हैं इनपे एग्जाम्पल मैंने अभी बोला बेलन बेलनोगलॉसिस Balan होती है एक एग्जाम्पल इसकी बेलनोग्लॉसिस एक फेमस एग्जाम्पल है किसकी फाइलम हेमी कॉर्डेटा की ठीक है हेमी मतलब क्या हाफ कॉर्डेटा होते हैं ये हाफ कॉर्डेटा मतलब इनमें हाफ कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेटा के ठीक है इसलिए हम इनको हेमी कॉर्डेटा बोलते हैं नेक्स्ट फाइलम जो होता है वो आता है कॉर्डेटा ठीक है कॉर्डेटा की बात करेंगे जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें तीन फीचर्स होते हैं कॉर्डेटा जो होते हैं इनमें तीन फीचर्स होते हैं पहला इनमें होता है डोरसल होलो Tibular nerve cord. ठीक है, मतलब ऑलरेडी मैंने बोला है बैक साइड, हॉलो, खोखला ठीक है, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड क्या होता है यहाँ पे नर्व कॉर्ड जो होता है ये ट्रैक्ट होता है नर्वस का ठीक है जो नर्वस टिश्यू है उसका जो ट्रैक्ट होता है उसको हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं और जब ये नर्व कॉर्ड डेवलप हो जाता है ये किस में डेवलप होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ठीक है तो कॉर्डेटा जो होते हैं इनमें क्या पाया जाता है नर्व कॉर्ड ये मेन फीचर है इनका सेकेंड मेन फीचर है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ठीक है इनमें क्या होता है नोटोकॉड प्रेजेंट होता है नोटोकॉड क्या होता है अभी मैंने बोला नोटोकॉड जो होता है ये आ, एक आ, हम बोलिए कि रॉड लाइक सपोर्ट होता है ठीक है जो बैक पे होता है एनिमल्स के ठीक और अगर हम देखेंगे जो उसके बाद रिप्लेस होता है इनमें किससे या तो बोन से या तो काटले से ताकि क्या बनाए वर्टेबल कॉलम बनाए हायर वर्टेब्रेट्स में वर्टेबल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते ठीक है जो ऊपर से लेकर नीचे तक बैक पे हड्डी होती है पीछे से ठीक दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टेबल कॉलम ठीक तो नोटोकॉट जब बाद में क्या होता है ये रिप्लेस होता है बाई मीन ऑफ दी वर्टेबल कॉलम ठीक है, देन अगर हम देखेंगे इसमें थर्ड क्या होता है मेन कैरेक्टर जो मैंने बोला इनका रिजेंबल करता है हेमिकॉडेटा के साथ वो क्या था वो क्या था जो मैंने बोला अभी की जो इनका हेमिकॉडेटा के साथ रिजेंबल करता है एक मेन फीचर क्या था वो अभी मैंने बोला गिल्सलेट्स डॉर्सलो टिब्यूलर नर्व कॉर्ड नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो बाद में रिप्लेस होता है बाई बोन और कॉटले से ताकि वहां पे वर्टेबल कॉलम बने हायर वर्टेबल्स में ठीक है इनमें पेयर ऑफ गिल्सलेट्स होते हैं ठीक समझ आया ये जो तीन कैरेक्टर्स uh, है इनमें ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं इधर या तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में या थ्रू आउट दी लाइफ में इनमें ये प्रेजेंट होता है थी? अगर हम देखेंगे इनका बॉडी जो होती है वो बायोलेट्रली सिमेट्रिकल होती है दैट इज अगर बीच में कट करेंगे लेफ्ट वाला साइड राइट right वाले साइड के बराबर ठीक है जो भी पार्ट्स आएंगे सिमेट्रिकली होते हैं ठीक है बायोलेट्रली सिमेट्रिकल होते हैं इसके अलावा सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी तीन जर्म लेयर्स होती है क्या क्या एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म ठीक है एंड सीलोमेट होते हैं यानी इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है ठीक कैविटी किससे अराइज होती है किस लेयर से अराइज होती है ट्रू कैविटी किस लेयर से किस जर्म लेयर से अराइज होती है बोलिए ट्रू कैविटी किस जर्म लेयर से अराइज होती है कुछ याद भी है आप लोगों को या नहीं सब भूल गए हो ट्रू कैविटी किस जर्म लेयर से arise होती है मैंने बोला था एक्टोडर्म मीजोडर्म या एंडोडर्म से तीनों जर्म लेयर्स में से जो अः uh, सीलोम है ठीक है जो कैविटी है वो किससे से अराइज होती है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है मीजोडर्म से होता है ठीक है फिर से बोलू मीजोडर्म से होता है ठीक इसके अलावा इनमें टेल भी प्रेजेंट होती है एक लाइफ में एक स्टेज आ जाती है जहां पे इन डेटा में टेल प्रेजेंट होती है ठीक है देन अगर हम बा, बात करेंगे इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है लेकिन खाली मसल्स में सेगमेंट्स होते हैं बट जो ट्रंक इनका होता है वो अनसेगमेंटेड होता है इनमें हार्ट भी प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होता है इनका जो ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है ठीक अगर हम एंडोस्केल्टन की बात करेंगे वो या तो कार्टलेज होता है ठीक या बोनी होता है ठीक जो होता है अगर हम इनकी बात करेंगे प्रोटोकॉडेटा एंड वर्टिब्रेटे वर्टिब्रेटा ठीक है प्रोटोकॉडेटा का दूसरा नाम है एक्रेनिया एंड वर्टिब्रेटा का है क्रेनिएटा कॉडेटा फाइलम जो होता है phylum, क्या होता है डेटा फाइलम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है क्या क्या प्रोटो कॉडेटा जिनको हम बोलते हैं ए क्रेनिया ठीक है देन आता है सेकेंड इज वर्टिब्रेटा 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 का दूसरा नाम क्रेनिएटा ठीक ये हम इनशाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है वरना आपके सर से ऊपर जाएगा ठीक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ जिसको मैं क्वेश्चन पूछूंगी वही आंसर करेगा और जो माइक अनम्यूट नहीं करेगा ना उसको आ, सीधे उसकी जो कंप्लीट है वो ऑफिस में जाएगी ठीक है उजमा मैंने आपको कितनी बार बोला ऑडियो सेलेक्ट कीजिए आप क्यों नहीं कर रहे हो और जो क्लास लीव करेगा अभी उसकी अटेंडेंस नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी अटेंडेंस नहीं की है तो क्लास कोई भी लीव नहीं करेगा मैं बस आज की क्वेश्चन पूछूंगी जो मैंने आज पढ़ाया है मैं देखूंगी आपको क्या याद है बीनिश रोल नंबर अच्छा आपकी माइक नहीं चल है ठीक है इबादुल हक रोल नंबर फाइव मुझे बोलिए सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं इबादुल हक रोल नंबर फाइव माइक अनम्यूट कीजिए इबादुल हक रोल नंबर फाइव मुझे बोलिए बायोलेटर ले, सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं जी बोलिए आपकी वॉइस नहीं आ रही है नीलोफर आप बोलिए नीलोफर जी जी हाँ इबादुल चलिए छोड़िए नीलो फर आप बोलिए सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं मैम uh, बायोलेट्रलिस्ट सिमेट्रिकल वो होता है जब हम उसे ये दो हाउस में वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो राइट वाला लेफ्ट वाले के बिल्कुल सेम होता है राइट वेरी गुड जब हम एक बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो जो लेफ्ट में पार्ट्स होते हैं वही राइट right में भी होते हैं, हम बायोलिट्री सिमिट्रिकल बोलते हैं ठीक है ठीके? रोनक रोनक रोल नंबर ट्वेंटी वन माइक अनम्यूट कीजिए उसमें आपको क्लास से बाहर जाना या आप ऑडियो सिलेक्ट करोगे रोनक रोल नंबर ट्वेंटी वन माइक अनम्यूट कीजिए हीमोसील क्या होता है हीमोसील हम किसे कहते हैं जो जो आंसर करेगा उस उसकी उसी स्टूडेंट की मैं अटेंडेंस करूंगी यहां पे नीलोफर ने किया उसकी अटेंडेंस हो गई आप बोलिए रौनक हीमोसील हम किसे कहते हैं रोनक आपकी वॉइस नहीं आ रही है रोनक आपकी वॉइस नहीं आ रही है हीमोसील क्या होता है हैंड रेज कीजिए जिसको भी पता होगा और उसकी अटेंडेंस हो जाएगी जिसको भी पता है वो हैंड रेज करेगा ठीक है बीनिश हाँ बोलिए हीमोसील क्या होता है नहीं जो कैविटी ब्लड से फिल होती है उसको हम हीमोसील कहते हैं ठीक है कोई नहीं फिर भी एटलीस्ट आंसर किया कुछ चलिए ठीक है मैंने कल फ्लेम सेल्स का यूज किया था ठीक है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं वो फ्लेम सेल्स किन में प्रेजेंट होते हैं रेज हैंड कीजिए अपना जिसको भी आंसर पता है सेल्स और वी कैन कॉल बल्ब मैंने कल बोला था ये किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं जिसको भी आंसर पता है अपना हैंड रेज कीजिए फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब जिनको हम बोलते हैं ठीक है ये होता है प्लेट में प्रेजेंट अच्छा मुझे बोलिए जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है होते हैं और मैंने कल वो नंबर भी बोला था कितने स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं जिसको आंसर पता है हैंड रेज सा है जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज होते हैं अप्रोक्स नाइन लैक होते हैं कौन सा ऐसा फाइलम है मैंने कल बोला था मैम ऑर्थोपोडा राइट ऑर्थोपोडा वेरी गुड फैजान रोल नंबर थ्री ठीक है आपकी अटेंडेंस भी हो गई अच्छा कौन सा ऐसा फाइलम होता है जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं उस फाइलम का नाम बोलो जिसके बॉडी पे पोर्स होते जो पोर बियरिंग होते यानी ऑर्गेनिज्म विद होल्स फाइलम पोरिफेरा वेरी गुड आफ्ताब फाइलम होते हैं ठीक है जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं कौन आंसर करेगा आफ्ताब की भी अटेंडेंस हो गई उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं को हम कॉमनली क्या कहते हैं क्लास को पांच मिनट है ठीक है जिसको भी अपनी अटेंडेंस करवानी है वो आंसर करेगा फौन्ण। फौन्ण। ठीक है नीलोफर आपने किया था एक बार आंसर जो जिसने ये? आंसर किया वो नहीं करेगा फिर से जिसने नहीं किया वो करेगा ठीक है चलिए ठीक है स्पॉन्ज डायकॉट लिडंस हम किन्हीं कहते हैं डायकॉट क्या होते हैं जिनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं उसका मतलब क्या है डाइकॉट का आमिना शफी आपने नहीं किया आंसर और किसने नहीं किया उजमा रोल नंबर सिक्स उज्मा आपने जो पिछला यूनिट था यूनिट थर्ड आपने पेपर अच्छा किया था मुझे आपसे काफी ज्यादा अच्छी थी राइट right, जिसमें दो कॉटलीडेंट होते हैं कॉटलीडेंट क्या होते हैं यानी एम्ब्रियो जिनमें दो फ्लैशी लीव्स होते हैं ठीक है उनको हम डाई बोलते हैं चलिए ठीक है मैं क्लास को एंड करती हूं अल्लाह हाफिज और कल से आप ध्यान रखोगे क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन जिससे भी पूछूंगी जिसको आंसर पता होगा या जिसको नहीं पता होगा किसी भी क्वेश्चन का ठीक है एटलीस्ट अगर मैं दस क्वेश्चन पूछू दस में से दो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए ठीक है उस बच्चे की अटेंडेंस होगी आज मैं वैसे सब की कर रही हूँ लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा ये आपकी लास्ट वार्निंग थी चलिए अल्लाह हाफिज